अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो ऑन द ग्रेड 9 फर्स्ट असेसमेंट सेकंड टर्म सॉल्यूशंस। ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आई नो यू आर स्टिल बिजी विद योर असेसमेंट्स एंड यू हैड योर मैथ्स असेसमेंट रिसेंटली एंड यू ऑल हैव सीन योर मार्क्स एज वेल। यू नो योर मिस्टेक्स, सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। I told you that I will be sharing the solution in a video. So this is the video in which we will be discussing the assessment questions. Some questions have already been solved, and the last question, which was the trigonometry question, I will solve that question with you guys in the video. And we will be discussing on the method, so that the concepts, so that the mistakes you have made, you can learn from them. Or इस वीडियो में इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट्स को मैं वो मिस्टेक्स को डिस्कस करूँगा जो कि मुझे कॉमनली मिली हैं चेकिंग के वक्त, तो उसको एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम लोग जो है वो अपनी गलतियों से सीख लो। एंड डो नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स अगेन, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और फिर करेक्ट करो और आगे बढ़ो। इसी से इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आप वही मिस्टेक बार बार हर असेसमेंट में करते रहोगे, जो कि बहुत बेसिक मिस्टेक हैं, और बहुत बेसिक मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने किए जिसकी वजह से उनके मार्क्स गए। कॉन्सेप्ट था उनको, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी नहीं थी। समटाइम मैथ्स में आप ऐसे फील करते हो कि आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और आप सोचते हो कि नहीं, दिस इज़ वेरी इजी एंड वी डोंट नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जब वही क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलते हैं, एग्जाम के प्रेशर सिचुएशन में आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट। और फिर आप कहते हो कि यार ये तो मुझे आता था, मुझसे नहीं हुआ, मैं पैनिक कर गया और मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये सारे रीजंस जो हैं, ये सारे जो रीजंस हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। जब आप टाइम पे मेहनत नहीं करोगे, इट्स ऑल अबाउट योर एग्जाम्स। यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। इट डजेंट मैटर हाउ गुड आर यू इन योर क्लास, आप घर में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स नहीं आते इतने, तो फिर आपकी वो सारी प्रैक्टिस जो है ना, वो सारी मेहनत जो है वो कोई नहीं देखता, कोई उसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो ये चीज़ आपको जो है वो समझनी है कि जहाँ मेहनत करनी है, जहाँ नंबर आपको चाहिए, वहाँ अगर नंबर नहीं आ रहे, तो कोई आपकी मेहनत को, कोई आपकी स्ट्रगल्स को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेगा और हर कोई आपको डीमोटिवेट करेगा। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो इसका मतलब है फिर आप, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस भी जो है ना, वो मैथ्स के मुश्किल हो जाते हैं। मैथ्स का एक जो जनरल फीडबैक मैं ये दूंगा कि इस बार जो है वो बेसिक मिस्टेक्स जो है वो मुझे ज़्यादा मिली है, और वो बेसिक मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में एड्रेस करूँगा ताकि तुम लोग जो है वो उनको करेक्ट कर सको और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन। और यू नो दैट योर मैथ्स असेसमेंट वाज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का असेसमेंट था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, दैट वाज सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। लैंग्वेज पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि जब तक तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वॉट यू हैव टू डू इन द सोल्यूशन। सो दिस इज सिंप्लीफाई, मीन्स यू हैव टू मेक योर क्वेश्चन सिंपल, यू हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स, you have to expand this question, and then after expanding the question, after simplifying it, you have to solve it as well. And since this is an equation, so you can solve it. This is the most important point. इस point को मैंने बार बार class में emphasize किया था कि we can solve an equation. Equation को solve किया जाता है। अगर equation नहीं है तो हम उसको solve नहीं कर सकते। जैसे कि part B में आपको नजर आ रहा है, this is not an equation, this is an expression. यहाँ equals to का sign नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो है इसको इक्वेशन बना के इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जिसमें ए लिखा हुआ था, फिर ब्रैकेट था 2a+5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3। इक्वल्स टू का साइन नजर आते ही मुझे समझ में आ गया कि ये इक्वेशन है और मुझे इसको सॉल्व भी करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब मुझे अननोन वेरिएबल जो कि इसमें ए है, ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट एंड आई नो दैट देयर इज अ variable outside the bracket, so this variable will be multiplied with each and everything that is inside the bracket. So a will be multiplied with 2a, and a multiplied by 2a will be 2a square. a when multiplied with +5, this will give me +5a. aur ye jo 3 tha yahan, positive ka 3 tha, main isko shift karke is side pe le aaya, so it becomes -3 = 0. so now this is an equation and this is a quadratic equation, kyunki ye highest power variable pe 2 nazar aa rahi hai और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। आई कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन, आई कैन गो फॉर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड,
और आई कैन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको कर सकता हूँ और मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी कर सकता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको बोला था वहाँ यूज़ करना जहाँ ए स्क्वायर के साथ कोफिशेंट 1 होता है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं यूज़ करूँगा। द बेस्ट मेथड और सबसे ईजी मेथड जो इस इक्वेशन में लग रहा है वो फैक्टराइजेशन है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी किया है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बिल्कुल सही आंसर लेके आए। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में कुछ कन्फ्यूजन थी, वहाँ मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस की जिसको मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह एड्रेस करूँगा। वहाँ जो है वो स्टूडेंट्स ने फैक्टर्स को पिक करने में गलती की है जिसकी वजह से उनके आंसर्स गलत आए, तो उस चीज़ को इंशाल्लाह मैं जो है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दैट्स वाई आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने सॉल्व नहीं किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर्स। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, आई हैव टू फैक्टराइज इट फर्स्ट। पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, फैक्टराइज का मतलब मैं इसमें ब्रैकेट्स बनाऊंगा और जब ब्रैकेट्स बन जाएंगे तो मैं उन ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल टू जीरो करके ए की वैल्यू निकाल लूंगा। तो सबसे पहले इनको ब्रैकेट्स बनाना है, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए जो है मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड का जो प्रोसीजर है वो सबसे उसको दोबारा एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें ये था कि आई हैव टू मल्टीप्लाई द कॉर्नर्स, मुझे कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ कॉर्नर में 2a² लिखा हुआ है और यहाँ जो है वो लास्ट नंबर -3 है, तो 2a² को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -6a². अब बिफोर अप्लाइंग द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यू हैव टू अरेंज योर एक्सप्रेशन। अरेंज योर एक्सप्रेशन का मतलब है द टर्म विद ए स्क्वायर शुड बी फर्स्ट एंड देन कम्स द टर्म विद द ए एंड देन द कॉन्स्टेंट विल बी इन द लास्ट। तो ये पहले से ही अरेंज हुई भी थी इसीलिए मैं इस पर डायरेक्ट जो है वो मिडिल टर्म अप्लाई कर रहा हूँ। मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉर्नर्स, द कॉर्नर्स आर 2a² एंड -3, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड गिव मी -6a² एंड द मिडिल टर्म विद द साइन विल बी एज इट इज +5a। यहाँ मैंने लिख दिया। नाउ आई हैव टू मेक द फैक्टर्स, मुझे यहाँ जो कोफिशियंट है उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो 6 के फैक्टर्स जो है वो 2 × 3 एंड 6 × 1, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक पेयर को सेलेक्ट करना है, तो उस पेयर को सेलेक्ट करने के लिए जो है वो मुझे साइंस भी देखने पड़ेंगे। चलो अब ज़रा ये चीज़ देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ये सोचा कि यार हम 2 और 3 को पिक कर लेते हैं। जब उन्होंने 2 और 3 को पिक किया तो उनको उन्होंने ये देखा कि भाई मिडिल टर्म का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 3 को भी पॉजिटिव देना पड़ेगा और 2 को भी पॉजिटिव देना पड़ेगा क्योंकि 3 + 2 = 5 होता है। लेकिन जब मैं 3 + 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -6a² नहीं मिलेगा, मुझे 6a² मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मैं इन फैक्टर्स को नहीं पिक कर सकता बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, यू हैव टू पिक दोज फैक्टर्स हु आर सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशंस। इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें और इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। इफ यू आर गोइंग विद -2a, इफ यू आर गोइंग विद +2a एंड +3a, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +6a² मिलेगा, -6a² नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो 2 और 3 वाले फैक्टर्स हैं ये गलत है, जिसने इनको पिक किया है उनके आंसर्स गलत आए क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर नहीं था। 6 और 1 बिल्कुल सही है, 6 और 1 इसलिए क्योंकि अगर मैं 6 और 1 को पिक करूंगा तो मुझे पता है कि मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो मुझे 6 को पॉजिटिव देना पड़ेगा, और चूंकि मुझे 5 चाहिए तो मुझे 1 को माइनस का साइन देना पड़ेगा, और जब मैं 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -6 मिल जाएगा। इसका मतलब है 6 और 1 आर द करेक्ट फैक्टर्स, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने जो है वो पहली टर्म एज इट इज लिख ली 2a², और फिर उसके बाद मैंने 6 को पॉजिटिव साइन क्यों दिया, क्योंकि मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव था तो +6a हो गया, और फिर मैंने -a दे दिया या -1a भी आप लिख सकते हो, और फिर -3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई हैव ब्रोकन डाउन माई मिडिल टर्म इंटू 2 टर्म्स। नाउ आई विल टेक द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2a² +6a, आई कैन टेक 2a एज कॉमन, और जब मैं 2a कॉमन लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ a बच जाएगा पॉजिटिव साइन एज इट इज, और सिंस आई हैव टेकन 2 एज कॉमन सो 2 × 3 विल गिव मी 6a, तो मैं कॉमन ले चुका हूँ तो a अंदर ब्रैकेट में नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद -a और -3 में जो है वो सिर्फ -1 कॉमन है, माइनस साइन कॉमन मैं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, और जब मैंने -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जो है वो दोनों के साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो a और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो +3, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0।
Now both the brackets are same. This means I have applied the method correctly. I will take a plus 3 as common one time, and then inside the bracket I will write these two terms, 2a minus 1 bracket close equals to 0. Now my question is factorized. Now I will just put the brackets one by one equal to 0 each time, and I will find the value of the variable, that is a. First time I will put a plus 3 equals to 0. A plus 3 ko jab 0 ke barabar karunga, so this is positive 3. It will move on the other side. 0 minus 3 will give me minus 3. So the first value of a is minus 3. And in the next step, I will put this bracket equals to 0. 2a minus 1 will be equals to 0. This is minus 1. It will go on the other side and it will be added with 0. 1 plus 0 will be 1. And since I have to find the value of a, so I have to shift this 2 as well. This 2 is being multiplied on this side. When it will go on the other side, it will get divided. So the second value of a is coming out as 1 upon 2. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यू जस्ट हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. जब आपने अपनी एक्सप्रेशन को इक्वेशन को अरेंज कर लिया है, उसके बाद आपको ए बी और सी की वो लिखनी होती है वैल्यू. ए की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशियंट होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 2. द वैल्यू ऑफ बी इज 5, पॉजिटिव 5 बी की वैल्यू हो गई, और सी की वैल्यू जो है वो माइनस 3 हो गई है. यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की थी कि उन्होंने 3 को शिफ्ट ही नहीं किया इधर, और जो है वो सी की वैल्यू पॉजिटिव 3 ले ली है. जब तक आप इस 3 को शिफ्ट नहीं करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, और आप ए बी सी और की ए बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो दिस इज द फॉर्मूला. ये ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने ए इज इक्वल्स टू लिख दिया, ठीक है. और उसके बाद जो है मैंने फॉर्मूले में से वैल्यूज पुट की है. आप इसको आगे सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर्स, यस और नो. जब आप इसको सॉल्व करोगे इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर्स. बिल्कुल यही आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ए विल बी इक्वल टू माइनस 3 एंड ए विल बी इक्वल टू हाफ. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से. सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइज कम्प्लीटली था. फैक्टराइज का मतलब है यू हैव टू मेक ब्रैकेट्स, और यहाँ इक्वेशन नहीं थी, यहाँ एक्सप्रेशन थी. तो इसका मतलब है कि आप यहाँ बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको सिर्फ ब्रैकेट्स बनाने थे. और मैंने आपको ये बात बोली थी कि फैक्टराइज कम्प्लीटली, ये जो कम्प्लीटली का वर्ड है ये उसने खामा खामे नहीं लिखा. कम्प्लीटली का वर्ड होता है कि उसमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, और कॉमनली जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जिसको हम थर्ड आइडेंटिटी कहते हैं, वही ज्यादातर यूज होती है. तो क्वेश्चन वॉज 32 बी क्यूब माइनस 2b. अब यहाँ जो है वो आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन आई कैन सी समथिंग कॉमन. यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी है, तो बी कॉमन आ रहा है, और 32 और 2 दोनों जो है वो इवन नंबर्स हैं, तो बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो आई कैन टेक 2 एज कॉमन एज वेल. सो 2b एज कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट, इट विल बी 16b स्क्वायर माइनस 1. यहाँ मैं 2b कॉमन ले चुका हूँ, तो जब कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं बचता तो हमें 1 लिखना पड़ता है, तो यहाँ मैंने माइनस 1 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया. 2b will be as it is. अब मुझे यहाँ देखना है कि सिंस द क्वेश्चन इज फैक्टराइज कम्प्लीटली, तो क्या यहाँ और फैक्टराइजेशन हो सकती है. यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आई कैन अप्लाई द आइडेंटिटी, बिकॉज 16b स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर है, कम्प्लीट स्क्वायर है, और 1 आपको पता है 1 का ही स्क्वायर होता है. तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि 16 किसका स्क्वायर है, तो मैंने 4 लिखा, और बी स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो मैंने बी लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर लगा दिया, एंड देन माइनस साइन आ गया. और 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो ये जो है वो दोनों टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव साइन है, और दोनों टर्म्स पे होल स्क्वायर आया हुआ है. इसका मतलब है दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका मतलब है कि मैं इसको एक बार 4b को और 1 को प्लस के साथ लिख देता हूँ, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 4b को 1 के साथ माइनस के साथ लिख लेता हूँ. तो दिस इज द लास्ट स्टेप. इसके बाद और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आई विल लीव माय आंसर ओवर हियर. तो द फाइनल आंसर इज 2b 4 ब्रैकेट 4b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 4b माइनस 1. दिस इज द आंसर. अब ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इसका आंसर यही छोड़ दिया, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया कि 16b स्क्वायर तो स्क्वायर है 4b का, लेकिन 1 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 1 जो है बेसिकली 1 का ही स्क्वायर होता है. तो आप जो है वो 1 को इस तरह लिखो, और उसके बाद इस तरह आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन वेरिएशन का था. इट इज गिवन दैट टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी प्लस 2. मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश सेंटेंस इनटू मैथमेटिकल सेंटेंस. सिंस टी इज फर्स्ट, टी पहले है, तो हम टी को पहले लिखेंगे और फिर प्रोपोर्शन का साइन यूज करेंगे, और फिर चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है कि मुझे इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा.
तो मैंने इसको 1 अपॉन पी प्लस 2 लिखा, और देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई नो दैट आई हैव टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल. व्हेन द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल इज रिमूव्ड आई हैव टू इंसर्ट एन इक्वल्स टू साइन एंड अ कांस्टेंट एज वेल. सो टी विल बी इक्वल्स टू के अपॉन पी प्लस 2. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फॉर द वैल्यू ऑफ के आई विल बी प्रोवाइडेड द अदर टू वैल्यूज जस्ट आफ्टर द रिलेशन सेंटेंस. जो रिलेशन सेंटेंस होता है जिसमें आपको दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन बता दें, उसके बाद बिल्कुल दो वैल्यूज मिलती है, और यहाँ भी दो वैल्यूज आपको मिली हुई है. द वैल्यू ऑफ टी इज 4, द वैल्यू ऑफ पी इज 3. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी 4 एंड पी की जगह पे 3 रखा मैंने, टी की जगह पे 4 एज इट इज आ गया. इक्वल्स टू के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो के की जगह पे के लिखा. इन प्लेस ऑफ पी आई हैव टू राइट 3. सो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 विल गिव मी 5. And since I have to find the value of k, this 5 is being divided over here. इसको shift कर देते हैं दूसरी side पे, तो ये 4 से multiply हो जाएगा, k की value 20 आ जाएगी. Since मुझे expression लिखनी है 40 in terms of p, तो इसका मतलब है कि I will just now put the value of k. ये वाली जो मेरी equation है इसमें k की value put कर दूंगा 20. तो मेरे पास जो required answer आ जाएगा, that will be t is equals to 20 upon p plus 2. अगर आप ये equation नहीं बनाओगे तो फिर आप second part सही तरीके से solve नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो हमेशा एक्सप्रेशन पूछता है या आपसे इक्वेशन पूछता है. तो मैंने एक्सप्रेशन भी बना ली है, इक्वेशन भी बना ली है, और यही इक्वेशन मैं जो है वो नेक्स्ट पार्ट में यूज़ करने वाला हूँ. और क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल्स टू 2, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू मुझे 2 गिवन है. तो आई विल जस्ट यूज दिस इक्वेशन अगेन. टी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन पी प्लस 2. टी की जगह पे मैंने 2 लिखा क्योंकि टी की वैल्यू 2 है. 20 की जगह पे 20 लिखा अपॉन. Since I have to find the value of p, so this will be p plus 2. अब ये p plus 2 जो है इसको मुझे shift करना है, क्योंकि मैं अकेले p को shift नहीं कर सकता. काफी सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस p को shift कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है. p के साथ 2 ऐड हो रहा है, तो I have to shift this p plus 2. ये पूरा का पूरा p plus 2 जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, और ये 2 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सिंस आई हैव टू मेक p इक्वल्स टू है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल हो सकती है. और पी को सब्जेक्ट बनाना है तो पी अकेले नहीं जाएगा, पी प्लस 2 पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो दिस विल बी 20 अपॉन 2, और पी प्लस 2 इस साइड पे चला जाएगा. 20 अपॉन 2 10 होता है, और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो ये प्लस 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और 10 माइनस 2 विल गिव मी 8. तो इस क्वेश्चन के पार्ट बी का जो आंसर आ रहा था वो बिल्कुल 8 आ रहा था. तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये इक्वेशन नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से जो है उनका ये वाला पार्ट जो है वो सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ. और कुछ स्टूडेंट्स ने इक्वेशन बनाई हुई थी लेकिन उन्होंने सिर्फ ये पी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, टू को यहाँ शिफ्ट कर दिया. तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता. पी अकेला नहीं है, अगर पी अकेला होता तो शिफ्ट हो जाता, लेकिन अभी पी के साथ प्लस 2 है, तो ये पूरा का पूरा जो है पी प्लस 2 साइड पे चला जाएगा. और फिर आप जो है वो 2 को इस साइड पे शिफ्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फिर ये प्लस 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 होके पी की वैल्यू 8 आ जाएगी. Moving on to the third question. The third question was on trigonometry, and trigonometry is all about the right angle triangles. We know that in grade 9 we will only be discussing the right angle triangle, and I told you that right angle triangles can be solved by using Pythagoras theorem and the trigonometric ratios commonly known as SOHCAHTOA. So is question ko solve karte hain, question ko padhte hain, fir dekhte hain ki kya kya cheeze puchi gayi hain. In the given triangle ABC, AB is equals to 17.3 meters. Angle ACB is 90 degree. K lies on CA such that CK is 7.6. This CK is 7.6 meters. And the angle BKC is 42 degrees. ये जो BKC angle है ये 42 degrees है. First part में we have to find the length of BC. पहले देख लेते हैं कि BC जो है वो कहाँ पे है. Just mark BC. BC is this side, question mark लगा दिया. And this side BC is a part of a right angle triangle. और ये इस right angle triangle का part है जहाँ मैंने star बनाया. तो इसका मतलब है we just have to label it. और इस right angle triangle में we know one angle and one side. इसका मतलब है कि हम यहाँ trigonometric ratios use कर सकते हैं. Since only one side is given, बाकी दो sides नहीं given है. इसका मतलब है Pythagoras theorem यहाँ use नहीं हो सकता. So we will be getting along with the trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेबल करने के लिए एंगल मुझे गिवन है, तो एंगल के सामने वाली साइड को मैं ऑपोजिट कहता हूँ, और ऑपोजिट को जो है वो मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ. सो दिस इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज द 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है.
और हाइपोटेन्यूज चूंकि मुझे गिवन नहीं है तो वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है इस वक्त, और जो गिवन साइड है वो सी के है जिसको मैं एडजेसेंट बोलूंगा, क्योंकि एडजेसेंट वो साइड होती है जो 90 डिग्री वाले और हमारे गिवन एंगल को ज्वाइन करती है। सो दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज द ऑपोजिट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड। नाउ आई हैव टू सी विच साइड इज गिवन एंड विच साइड आई हैव टू फाइंड आउट मुझे ऑपोजिट साइड करनी है और गिवन मुझे एडजेसेंट है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो है वो मुझे यूज करना पड़ेगा, और ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो है दैट इज 10, तो मुझे यहाँ टेंजेंट यूज करना पड़ेगा। मैं डिसाइड इसी तरह करता हूँ कि क्या चीज़ मुझे फाइंड करनी है और क्या चीज़ मुझे गिवन है, उन दोनों की बेसिस पे मैं अपना रेशियो पिक करता हूँ। तो यहाँ मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड करनी थी और एडजेसेंट मुझे गिवन थी, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 10 होता है, एंगल मुझे गिवन है 42 डिग्रीज, तो 10 42 इज इक्वल्स टू, मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरह याद किया है, मैंने इसको 2R से याद किया है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड मेरे पास BC है तो ऑपोजिट की जगह पे मैंने BC लिख दिया, और एडजेसेंट साइड जो है वो मेरे पास 7.6 है तो मैंने 7.6 लिख दिया। तो सिंस नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, BC के लिए मैं क्या करूंगा कि 7.6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मुझे BC को सब्जेक्ट बनाना है और 7.6 डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये 10 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले मैं जल्दी से लिख लेता हूँ टेंजेंट 42, जो कि वैल्यू कैलकुलेटर से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 42 एंड देन द वैल्यू ऑफ 10 42 विल बी मल्टीप्लाइड विद 7.6 टू गेट द वैल्यू ऑफ BC जो कि फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछी गई है। सो नाउ आई विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा तो कैलकुलेटर के लिए फर्स्ट आई हैव टू प्रेस 10, 10 मुझे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद 42 और इक्वल्स टू दबाऊंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 7.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 6.84, और इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, तो 6.84 मीटर इज द लेंथ ऑफ BC। फर्स्ट पार्ट में BC फाइंड करना था 3 मार्क्स का था ये, तो अगर आपने सही रेशियो पिक किया है और आपने जो है वो वैल्यूज को सिर्फ जस्ट कैलकुलेटर यूज करना था तो द वैल्यू ऑफ BC इज कमिंग आउट एज 6.84 मीटर्स। ये पार्ट काफ़ी सारे बच्चों का सही हुआ है, इसका मतलब है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ के, के बेसिकली ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये पूरी बेस नहीं है, ये बेस का पार्ट है, ठीक है, ये पूरी बेस नहीं है, के पूरी बेस जो है वो तो AC है, C से स्टार्ट हो रही है और A तक जा रही है, लेकिन ये जो K है ये CA का पार्ट है, ठीक है, तो मुझे ये पार्ट फाइंड करना है, और इस पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट 7.6 मीटर जो है वो गिवन है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फुल पार्ट जो है उसमें से थोड़ा सा पार्ट गिवन है और बाकी का पार्ट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि पहले आप जो है वो पूरी बेस निकालोगे, जब आप पूरी बेस निकाल लोगे उसके बाद आप उसमें से 7.6 माइनस कर देना, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ KA, यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। अब मुझे पूरी बेस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं फिगर्स नहीं बनाता मुझे आइडिया नहीं होता कि मैं कौन सा मेथड यहाँ यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दिस इज गिवन एज 17.3, ये मुझे 17.3 दी हुई है, मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है, इसके अल्फाबेट्स में लिखता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मैंने कौन सा ट्राइंगल बनाया है। दिस इज ट्राइंगल BCA, मतलब ABC जो ट्राइंगल था गिवन क्वेश्चन में, बड़ा वाला पहले मैंने वो बनाया, तो AB जो हाइपोटेन्यूज थी वो मुझे गिवन है और BC मैंने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 6.84, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ CA जो कि इसकी बेस है, और मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको दो साइड्स गिवन होती हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट द थर्ड साइड, तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज हो सकता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। आप AC लिखो कि आप CE लिखो, इट डजेंट मैटर, दोनों एक ही बात है, और मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्योंकि आई नो हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो मैं इसको हाइपोटेन्यूज लिख दूंगा, और उसके बाद जो दो साइड्स होती है डजेंट मैटर, आप किसी को परपेंडिकुलर लो, किसको बेस लो, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होता है। तो मुझे बेस फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है कि बेस के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को माइनस किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो यूज कर लेता हूँ। ये फॉर्मूलाज मैं अपने पास जो है वो लिख भी चुका हूँ, और मुझे जो है वो अब कॉन्सेप्ट भी है कि अगर मुझे बेस फाइंड आउट करनी होती है या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी होती है
तो मैं हाइपोटेन्यूज में से दूसरी साइड को स्क्वायर माइनस करता हूँ तो मुझे जो है वो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो मैंने जो है वो हाइपोटेन्यूज जो कि सिर्फ 17.3 थी उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया परपेंडिकुलर को, दैट इज 6.84। और मैं अपना डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करूंगा और कैलकुलेटर यूज करके मैं आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी ए जो कि पूरी बेस है। तो आई विल जस्ट यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में फर्स्ट आई हैव टू प्रेस द स्क्वायर रूट साइन। स्क्वायर रूट के बाद आई विल यूज द ब्रैकेट। इन साइड द ब्रैकेट आई विल राइट 17.3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर देन माइनस साइन। अगेन आई विल यूज द ब्रैकेट 6.84 इन द ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अगेन एंड देन इक्वल्स टू द आंसर इज कमिंग आउट एज 15.89। सो द वैल्यू ऑफ द बेस दैट इज सी ए इज 15.89। ये पूरी बड़ी वाली बेस की वैल्यू आ गई है 15.89 मीटर्स। मुझे बड़ी वाली बेस नहीं चाहिए, आई हैव टू फाइंड दिस के ए। और मुझे जो है वो सी से लेके ए तक की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 15.89। और मुझे ये पता है कि सी से लेके के तक 7.6 है, आई हैव टू फाइंड द अदर पार्ट। तो अदर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि मुझे माइनस करना है, तो मैं टोटल में से जो है वो 7.6 को माइनस कर देता हूँ। व्हाट इज द टोटल? द टोटल इज 15.89 जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है। तो 15.89 इज द टोटल बेस, ये पूरी बेस है जो कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया है। इसमें से मैं 7.6 को माइनस कर दूंगा। जब मैं इसमें से 7.6 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 8.29। इसको मैं राउंड ऑफ करके 8.3 भी लिख सकता हूँ, और इट डजेंट मैटर आप 8.3 लिखो 8.29 लिखो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। सो द वैल्यू ऑफ के ए दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 8.29।